राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत माँ के दो टुकड़े हो गए। संसद का सत्र था, देश के प्रधानमंत्री हमारे लोकप्रिय नेता, दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता मोदी जी एक बिल लेकर आए, नागरिकता संशोधन कानून लेकर आए, सीएए लेकर आए, और इस सीएए के खिलाफ ये राहुल बाबा एंड कंपनी, ममता, अखिलेश जी, बहन मायावती, कम्युनिस्ट, सारी की सारी ब्रिगेड सीए के खिलाफ काऊ 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 कर रहे हैं। मित्रों, मैं उत्तर प्रदेश की जनता को बताने आया कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल ये सीए क्या है, इसके खिलाफ प्रचार करा जा रहा है। इसलिए के कारण इस देश के मुसलमानों की, इस देश के माइनॉरिटी की नागरिकता चली जाएगी। सीए बिल को लोकसभा में मैंने पारित किया है, मैं पायलट किया है। मैं आज आप सबके सामने कहने आया हूं, ममता दीदी, राहुल बाबा, अखिलेश जी, जिसमें भी हिम्मत है चर्चा करने के लिए सार्वजनिक मंच ढूंढ लो, हमारा स्वतंत्र देव आपके सामने चर्चा करने के लिए तैयार है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल की कोई भी धारा, मुसलमान छोड़ दीजिए, अल्पसंख्यक छोड़ दीजिए, किसी भी व्यक्ति की नागरिकता अगर ले सकती है तो वो आप मुझे दिखा दीजिए। मित्रों, देश में भ्रम फैलाया जा रहा है, दंगे कराए जा रहे हैं, आज गली फैलाई जा रही है, ये धरना प्रदर्शन, ये विरोध, ये भ्रांति का परिणाम जो कांग्रेस पार्टी, सपा, बसपा और तृणमूल कांग्रेस फैला रहे, ये बिल के अंदर कहीं पर भी कोई जगह देती किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं है। जब आदेश आजाद हुआ, कांग्रेस के पाप के कारण, राहुल बाबा कान खोल कर सुन लो, आपकी पार्टी के पाप के कारण धर्म के आधार पर भारत माँ के दो टुकड़े हो गए। 16 जुलाई 1947 कांग्रेस पार्टी ने प्रस्ताव कर विभाजन को स्वीकार कर लिया, और मैं आज लखनऊ की भूमि से डंके की चोट पर कहने आया हूं, जिसको विरोध करना है वो कर दे, सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल वापिस नहीं होने वाला। ये कांग्रेस पार्टी वोट बैंक की आस, वोट बैंक की लालच में अंधी हुई है। और अखिलेश बाबू, आप ज्यादा न बोलो तो अच्छा है, किसी के रटे रटाए दो वाक्य बोल देते हो मंच पर आकर, ये क्या है, 5 मिनट जरा बोलकर तो दिखाओ, कभी कभी पढ़ा करो भैया, पढ़ने से फायदा होता है। कोरी राजनीति करने के लिए जो स्टैंड लिया है उत्तर प्रदेश की जनता जानती, मैं उत्तर प्रदेश के चप्पे चप्पे को जानता हूं। जो देश विरोधी चीजें है, देश विरोधी नारे है, देश विरोधी काम है, इसको उत्तर प्रदेश की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। मित्रों, कभी स्वीकार नहीं करेगी।